नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास 9th का। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, तो यहाँ पर हाइट गिवन है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको ये पूछा जा रहा है कि बताओ कि इसका डायमीटर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी। ठीक, तो डायमीटर जानने के लिए फर्स्टली आपको क्या फाइंड करना होगा, आर फाइंड करना होगा, फिर डायमीटर जानने के लिए आर इंटू टू कर देना होगा। ठीक, अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कोन है 1/3 πr²h, दिस इज 48 πcm³। देखिए 1/3 π को पाई रखिए, बिकॉज यहाँ पर भी पाई है तो आप पाई को पाई से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है ना, आर स्क्वायर और h हमारे पास कितना है 9 इज इक्वल टू 48 πcm³। देखिए 3 से 3 को कैंसिल करिए, 9 को करिए, 3 3 9, अब यहाँ हो जाएगा 3 πr² इज इक्वल टू 48 πcm³। आर स्क्वायर आप यहाँ रख दीजिए और 48 π/3π, पाई को पाई से कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर डिवाइड करिए तो यहाँ जाएगा 16। देन आर इज इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो डायामीटर इज इक्वल टू आर इंटू टू होता है, यहाँ पर 4 × 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स टू वॉच।